आप पहले तो पूरे देश को ढेर सारी मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। लगातार हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान में मुझको आस्था है, विश्वास है और मुझको भगवान भोले के चरण में संपूर्ण आस्था है, विश्वास है। तो इसके प्रणाम स्वरूप है कि हम इस मुकदमा को जीतेंगे। और रही कार्बन डेटिंग का मामला, तो कार्बन डेटिंग कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय यह है कि अगर कार्बन डेटिंग हो जाती तो मुकदमे में बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ जाते, बहुत तेज़ी से फैसला हो जाता। लेकिन कार्बन डेटिंग नहीं हो रही है तो मुझको लगता है कि लड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और आगे मामला बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डेटिंग हो जाने के बाद यह आ जाता कि यह जगह कितना प्राचीन है, इस्लाम का पहले के इस्लाम का बाद में, किस सन में यहाँ पर यह जगह बदला गया, कब तक ये प्रूफ। तो इसके नाते हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कोर्ट को, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है। जो लोग तलवार के नोक पे चला रहे थे उन्होंने मेरे मंदिर को तोड़ा, तो हम संविधान तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और सदन में लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे। और जिस प्रकार अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से मुकदमा लड़के, उसी प्रकार से वहाँ भी संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़कर इस मुकदमा में विजय हासिल करेंगे और भगवान भोले का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण होगा वहाँ पर। आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला कार्बन डेटिंग के सिलसिले में आया है, ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में, उसका हम लोग तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और सभी को इस बात का इल्म है कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो भी वजूखाने का एरिया है उसको पूरी तरीके से सील करने का ऑर्डर दिया है। लिहाजा ऑलरेडी वहां पे किसी किस्म की कार्बन डेटिंग या कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। इस वजह से जो भी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द पीसफुली हल कर लिया जाए। और फिर इस बात को भी दोहराना चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसको कि पार्लियामेंट ने बनाया और अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको और मजबूती फराहम की, वो पूरे मुल्क में प्रिवेल करे और कोई भी अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा न उठाया जाए। और 353 ईयर्स पहले जो एक मस्जिद तामीर हुई और 350 साल से वहां पर नमाज और इबादत और अजान हो रही है, उस पर फिर से सवाल या निशान लगाया जाए, ये हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क की रवायात, अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। लिहाजा मेरी सभी से ये अपील है कि इस किस्म के जितने भी मामलात हैं उनको जितनी जल्द से जल्द हो पीसफुली बातचीत के जरिए से हल कर लिया जाए तो बेहतर हो।